हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर क्लासेस। मैं एक बाई उपेंद्र पांडे। गैस में जैसा कि आप लोगों को सीएनसी मशीन एट ऑटोमेशन मैकेनिकल 6 सेमेस्टर के चैप्टर फर्स्ट यानी रिवीजन क्लासेस में स्टार्ट करने वाला हूं। तो यहां पर जैसा कि आप लोग को स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, नियंत्रण निकाय यानी हम कह सकते हैं कि आप लोग को जो भी टॉपिक यहाँ पर इंपॉर्टेंट है तो वो इसके बारे में हम देखेंगे। तो यानी आप लोग को सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है एनसी मशीन क्या होती है, सीएनसी मशीन क्या होती है, रोबोटिक्स क्या होता है, पीएलसी क्या होता है, इसके बारे में आप लोग को इस चैप्टर में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को फर्स्ट हेडिंग आता है संख्यात्मक नियंत्रण यानी एनसी क्या होती है, एनसी मशीन क्या होता है। एक प्रकार से हम कह सकते हैं यह योजना योग्य स्वचालन होता है जिसमें मशीन नियंत्रण नंबर या चिन्हों पर एक प्रकार से पंच टैप पर कोड करते हैं। यानी हम कह सकते हैं जो एनसी मशीन में होती है क्या करते हैं, यह स्वचालन योग्य मशीन होती है। ठीक, इसमें जो एक प्रकार से नियंत्रण यानी किसी भी नंबरों को चिन्हित के माध्यम से एक प्रकार से हम कह सकते हैं उनको क्या किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है और पंच टैप कोडिंग के माध्यम से एक प्रकार से हम उन्हें भेजते हैं। ठीक, यानी किस प्रकार से हम क्या करते हैं किसी मशीन को या फिर टूल को एक प्रकार से सहारते हैं या फिर एक प्रकार से हम कह सकते हैं उसे दिशा निर्देश करते हैं। ठीक, इनके कौन कौन से अवयव होते हैं तो यहाँ पर देखेंगे मशीन कंट्रोल यूनिट हो गया, पार्ट प्रोग्राम हो गया और मशीन टूल हो गया। ठीक, मशीन कंट्रोल यूनिट क्या होती है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं जब किसी भी मशीन में कोई भी टूल हो गया या फिर कोई भी पार्ट हो गया उनको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं सीएनसी मशीन का प्रयोग करते हैं। ठीक, यानी उसके जो अवयव होते हैं उनको प्रकार यानी कंट्रोल करने के लिए करते हैं। वहीं पे पार्ट प्रोग्रामिंग क्या होता है कि एक प्रकार से जितने भी पार्ट लगे होते हैं उन्हें एक प्रकार से हम कह सकते हैं विभिन्न प्रकार के पार्ट प्रोग्रामों को एक प्रकार से हम कह सकते हैं उनको सही दिशा निर्देश करता है। ठीक, एक प्रकार से हम कह सकते हैं। ठीक, विभिन्न प्रकार के जो एक प्रकार से कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें एक प्रकार से जोड़ता रखता है। ठीक, मशीन टूल होता है जो ऑपरेशन करना होता है उनके माध्यम से एक प्रकार टूल को नियंत्रित करता है या फिर एक प्रकार से हम कह सकते हैं उन्हें सही प्रकार से निर्देश देते हैं। ये सब क्या होते हैं मशीन कंट्रोल और पार्ट प्रोग्रामिंग और मशीन टूल किसके अवयव हो जाते हैं तो ये संख्यात्मक नियंत्रण के अवयव हो जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं मशीन कंट्रोल यूनिट। मशीन कंट्रोल यूनिट क्या होती है यानी हम कह सकते हैं जो मशीन कंट्रोल यूनिट होता है। ठीक, यहाँ पे क्या होता है, यह आवश्यक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर सम्मिलित रूप से निम्न अवयवों पर संक्षिप्त करता होता है। ठीक, यानी हम कह सकते हैं जो MCU क्या होती है यानी MCU क्या होता है मशीन कंट्रोल यूनिट। इसको क्या एक प्रकार से हम कह सकते हैं जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है उनके रूप में यानी दोनों क्या होता है इसमें सम्मिलित होते हैं जिनमें क्या होते हैं विभिन्न प्रकार के अवयव होते हैं। ठीक, वो कौन कौन से अवयव होते हैं तो टैप रीडर हो गया, डाटा बफर हो गया, सिग्नल आउटपुट चैनल हो गया। ठीक, इनके माध्यम से क्या करते हैं मशीन कंट्रोल यूनिट के माध्यम से किसी भी टैप को रीडर करते हैं यानी किसी भी टैप को क्या करते हैं पहले बार से पढ़ते हैं। ठीक, फिर उसको एक प्रकार से सुरक्षा यानी सेव करते हैं, फिर उन्हें चैनलों के माध्यम से एक प्रकार से कर सकते हैं किसी मशीन को चैनलों के माध्यम से दिशा निर्देश करते हैं तब वो क्या करता है वर्क करता है। ठीक, यानी एमसी को कार्य क्या होता है कि सबसे पहले क्या होता है पहले डेटा का रीड करता है यानी पढ़ता है, फिर उसे क्या करता है अपने माइंड में सेव करता है और सेव करने के बाद क्या होता है दिशा निर्देश करता है किसी भी मशीन को। ठीक, चलाने के लिए आउटपुट सिग्नल प्राप्त करता है। ठीक, उनके मशीन कंट्रोल के प्रकार कौन कौन से होते हैं यानी एमसीयू के प्रकार कौन कौन से होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कौन आता है यानी व्यापारिक मशीन कंट्रोल यूनिट हो गया। फर्स्ट क्या होता है व्यापारिक मशीन कंट्रोल यूनिट, सेकंड आता है घुमाऊ मशीन कंट्रोल यूनिट, अकेला स्टैंड मशीन कंट्रोल यूनिट। ठीक, इनके माध्यम से एक प्रकार से ये तीन प्रकार के होते हैं। ठीक, तीनों प्रकार के यानी सी वाले अकेला स्टैंड मशीन कंट्रोल के यूनिट के प्रकार से पार्ट प्रोग्राम होता है, फिर उसके बाद मशीन टूल होता है। पार्ट प्रोग्राम का मतलब एक प्रकार से जो यह निर्देश को सेट करता है जो विभिन्न प्रकार के आंकड़ों क्रमबद्ध रूप में यानी जो एक प्रकार से हम कह सकते हैं मशीनों के माध्यम से निर्देश दिया जाता है यानी कार्य कराया जाता है वो किसके माध्यम से एक प्रकार से सेट किया जाता है तो पार्ट प्रोग्राम के माध्यम से एक प्रकार से हम सेट किया जाता है। ठीक, मशीन टूल का कार्य क्या होता है तो यह उत्पादन का मुख्य अंग होता है यानी जो एक प्रकार से मशीन टूल का उपयोग कहाँ किया जाता है तो हम किसी भी कारखंड को बनाने के लिए या फिर ऑपरेशन करने के लिए मशीन टूल का प्रयोग करते हैं। ये एक सबसे प्रकार से हम कह सकते हैं यह उत्पादन का एक सबसे बड़ा हिस्सा है। ठीक, मशीन टूल हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग केवल गाइस रिवीजन क्लासेस चलाई हैं, इन सभी चीज़ों का लेक्चर्स आप लोग को ऑलरेडी मिल चुका है। अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट की लिंक दे दी है सीएनसी मशीन की, वहाँ पे आप जो लोग जाके देख लीजिएगा। यानी संख्यात्मक नियंत्रण के वर्गीकरण यानी एनसी मशीन का क्लासिफिकेशन क्या होता है यहाँ पे हम देखेंगे। तो फर्स्ट क्या होता है यहाँ पे संख्यात्मक नियंत्रण का वर्गीकरण लूप संख्यात्मक नियंत्रण वर्गीकरण,
ठीक, एक प्रकार से लूप यानी ओपन हो गया और क्लोज हो गया, बंद ओपन क्लोज, ओपन संख्यात्मक नियंत्रण क्या होता है इसके भी बारे में पढ़ लीजिएगा, और बंद लूप नियंत्रण निकाय क्या होता है इसके भी बारे में पढ़ लीजिएगा। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक एग्जाम के पर्पस पे। बिंदु से बिंदु गति नियंत्रण, संख्यात्मक नियंत्रण, कंटूर गति नियंत्रण, फिर बढ़ते संख्यात्मक नियंत्रण, अपरिवर्तनीय संख्यात्मक नियंत्रण, विद्युत स्वचालित संख्यात्मक नियंत्रण, द्रव्यीय स्वचालित संख्यात्मक नियंत्रण और वायवीय संचालित संख्यात्मक नियंत्रण। ये क्या होता है एनसी मशीन का क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण होता है, इनके बारे में आप लोग को थोड़ा थोड़ा जाके बेस में पढ़ लीजिएगा ठीक। नेक्स्ट टॉपिक बताता है तो यानी हम कह सकते हैं कंप्यूटर यानी सी एन सी यानी कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। सी एन सी क्या होती है एक प्रकार से हम कह सकते हैं, यह एक सी एन सी मशीन का एक प्रकार से हम कह सकते हैं एनसी मशीन ही होता है, बल्कि क्या होता है एक कंप्यूटर के माध्यम से क्या करता है इसको नियंत्रण किया जाता है, इसलिए क्या होता है ये सी एन सी प्रदान कर दिया यानी कंप्यूटर आगे जोड़ दिया गया ठीक। सी एन सी मशीन में क्या होता है केवल नियंत्रण यानी संख्यात्मक किसी भी कोड को एक प्रकार से खुद ही नियंत्रण करता था ठीक। वहीं पे कुछ ना कुछ डिफरेंशिएशन यानी जनरेट हुआ तो वो किसके माध्यम से कर दिया गया, किसके माध्यम से नियंत्रण करने लगा तो कंप्यूटर के माध्यम से, तो इसीलिए क्या हो गया ये सीएनसी पड़ गया, इसका नाम क्या हो गया सीएनसी यानी कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल पड़ गया ठीक। यहाँ पे हम देखेंगे डिफिनेशन, यह एक सीएनसी मशीन होती है जिसमें मशीन कंट्रोल यूनिट के रूप में डायरेक्ट कंप्यूटर लगा होता है तथा टैप रीडर स्थान पर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है ठीक। यहाँ पे क्या होता है ये डायरेक्ट कंप्यूटर लगा होता है, क्या होता है एनसी मशीन में क्या होता है यानी एनसी मशीन में एक प्रकार से कोई भी कंप्यूटर लगा दिया जाए वो क्या कहला जाएगा वो सीएनसी कहला जाएगा ठीक। ऑपरेशन एक ही होता है सीएनसी मशीन में भी और एनसी मशीन में भी ठीक, बट क्या होता है कि एनसी मशीन में क्या कर किया जाता है वो खुद नियंत्रण करता है यानी स्वयं श्रमिक के द्वारा नियंत्रण किया जाता है, और सीएनसी में क्या होता है वो एक कंप्यूटर के बेस पे उसको नियंत्रण किया जाता है ठीक। इसमें क्या होता है टैप रीडर के स्थान पर क्या होता है एक सॉफ्टवेयर लगा दिया जाता है, और एनसी मशीन में क्या होता है एक टैप रीडर लगा दिया जाता है ठीक। यहाँ पे आगे देखेंगे तो आगे क्या होता है यानी सीएनसी मशीन के मुख्य अवयव यानी एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो प्रद्युत उपकरण होता है और डिस्प्ले यूनिट होता है, मशीन टूल होता है, चालन प्रणाली होता है, मशीन कंट्रोल यूनिट होता है, फीडबैक उपकरण होता है। प्रद्युत उपकरण एक प्रकार से हम कह सकते हैं जो उत्पादन करता है, डिस्प्ले यूनिट क्या होता है दर्शाने के लिए यानी दिखाने के लिए, मशीन टूल क्या होता है उसे उत्पादन करने के लिए, चालन प्रणाली क्या होता है एक प्रकार से एक यहाँ से वहाँ लेके जाने के लिए, मशीन कंट्रोल यूनिट क्या होता है कि जो एक प्रकार से उनके सभी पार्ट होते हैं उन्हें सही रूप से कंट्रोल करने के लिए, और फीडबैक उपकरण करने के लिए यानी किस प्रकार से वो कार्यगति कर रहा है, ये सब क्या होता है इन सभी के अवयव हो जाते हैं ठीक। यहाँ पे आप लोग को एनसी मशीन के बारे में पता हो गया ठीक। अब आ जाता है डीएनसी यानी डायरेक्ट संख्यात्मक नियंत्रण मशीन क्या होती है यानी डीएनसी क्या होता है, तो डीएनसी एक प्रकार से हम कह सकते हैं डीएनसी क्या होती है उत्पादन की एक ऐसी प्रणाली जिसमें एनसी मशीन एक कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित किया जाता है ठीक। एनसी मशीन क्या होता है एक कंप्यूटर के नियंत्रित किया जाता है, हम केंद्रीय कंप्यूटर कहते हैं यानी डीएनसी मशीन कहती है, एनसी मशीन एक कंप्यूटर नियंत्रित किया जाता है जिसे हम केंद्रीय डीएनसी यानी हम कह सकते हैं डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल किसे कह सकते हैं, तो जो एनसी मशीन में कंप्यूटर के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है उसे हम क्या कह सकते हैं, तो वो डीएनसी के माध्यम से कहलाता है यानी डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल, किसी भी चीज़ को क्या करता है ये डायरेक्ट न्यूमेरिकल यानी कंट्रोल करता है ठीक, यानी संख्यात्मक नियंत्रण को क्या करता है ये डायरेक्ट कंट्रोल करता है ठीक। इनके कौन कौन से अवयव होते हैं तो आता है जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं मैन फ्रेम कंप्यूटर हो गया, मेमोरी हो गया, कम्युनिकेशन नेटवर्क हो गया, एनसी और सीएनसी मशीन टूल हो गया, डीएनसी के प्रकार यानी हम कह सकते हैं कि जो इनके अवयव होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर यानी एक प्रकार से इनके पर्पस पे एक डायरेक्ट लगा दिया जाता है कंप्यूटर, और कंप्यूटर के माध्यम से वो डायरेक्टली उसे कंट्रोल किया जाता है ठीक। मेमोरी क्या होता है उसमें पहले जो कंट्रोल किया जाता है उसे फीड कर दिया जाता है, फीड करने के बाद दूसरी भी कार्यविधि करना है यानी दूसरा भी ऑपरेशन करना है तो उनके माध्यम से हम कर देते हैं ठीक। अर्थात डीएनसी के प्रकार यानी डीएनसी मशीन के प्रकार कौन से होते हैं, तो वीटीआर ठीक, वीटीआर सिस्टम होता है और स्पेशल मशीन कंट्रोल यूनिट होता है, इनके प्रकार से हम कह सकते हैं। यहाँ पे आप लोग को यानी डीएनसी क्या होती है, सीएनसी क्या होती है, इनके प्रकार, ये सभी चीज़ों को एकदम विधिवत सही ढंग से पढ़ लेना है गाइस, क्योंकि हर बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं ठीक। सीएनसी यानी कंप्यूटर नियंत्रण निकाय के कौन कौन से अवयव होते हैं जैसा कि आप लोग को बात ही किया गया ठीक। नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट आता है तो इनपुट उपकरण किसके अंतर्गत आता है, तो फ्लॉपी डिस्क हो गया और यूएसबी हो गया, यूएसबी और फ्लॉपी डिस्क, इसके बारे में आप लोग को यहाँ पे नेक्स्ट क्लासेस में यानी आप लोग को क्लासेस जब चल रही थी उसके बारे में हम बात किए थे ठीक।
आगे आता है मशीन कंट्रोल यूनिट। मशीन कंट्रोल यानी MCU, MCU के जो उपभाग होते हैं कौन कौन से होते हैं, DPU होता है और CLU होता है। यानी DPU का मतलब क्या होता है, डाटा प्रोसेसिंग यूनिट होता है, और CLU का मतलब क्या होता है, कंट्रोल लूप यूनिट होता है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एग्जाम के बेस पे पर्पस पे पूछा जाता है DPU क्या होता है और CLU क्या होता है। तो डाटा प्रोसेसिंग यानी हम कह सकते हैं जो मशीन कंट्रोल यूनिट में यानी LC मशीन में होता है, ठीक, मशीन यानी MCU में क्या होता है कि जो उपवर्क होते हैं यानी किसी भी कोई भी डाटा होता है उसे सही रूप से सेव करता है, यानी सही रूप से सेव भी करता है और हमें कार्य करने की एक प्रकार से सही रूप से प्रोसेसिंग भी करता है, ठीक। और CLU के कार्य क्या होता है, जो उसमें कंट्रोल होते हैं यानी सभी पार्ट होते हैं उन्हें सही रूप से कंट्रोल करने के लिए हम MCU का प्रयोग करते हैं, यानी CLU का प्रयोग करते हैं। है नेक्स्ट आता है मशीन टूल। मशीन टूल क्या होता है, यहाँ पे हम देखेंगे वह एक वंग होता है जो मशीन कार्य करता है, यानी क्या कौन से कार्य करता है, तो मशीन कार्य करता है। वो कौन कौन से टूल होते हैं, लेथ मशीन टूल हो गया, ड्रिलिंग मशीन हो गया टूल हो गया, ठीक, मिलिंग मशीन के टूल हो गया, इन सभी चीज़ों के क्या होता है, ये मशीन टूल के अंतर्गत आ जाता है। फिर आते हैं चालन प्रणाली क्या होती है। चालन प्रणाली क्या एक प्रकार से हम कह सकते हैं, जो एक प्रकार से DC सर्वोमीटर हो गया, AC सर्वोमीटर हो गया, स्पेक्ट्रम मोटर हो गया, रेखीय मीटर हो गया, ये क्या होता है, CNC मशीन को एक प्रकार से चालित करता है यानी चलाता है, ठीक। वो किन के माध्यम से चलाता है, यानी कौन कौन से उसके नाम होते हैं, तो DC मोटर हो गया, AC मोटर हो गया, स्पेक्ट्रम मोटर हो गया, रेखीय मोटर हो गया, ये सब क्या होता है, इसके अंतर्गत आ जाता है, ठीक। नेक्स्ट आता है तो फीडबैक उपकरण। फीडबैक क्या होता है कि एक प्रकार से किस स्पीड में कार्य कर रहा है, ये सब क्या होता है, फीडबैक के अंतर्गत आ जाता है। डिस्प्ले क्या होता है, एक प्रकार से हम उसे देखने के लिए यानी इंटरैक्टिव उपकरण की तैयार करने के लिए किस प्रकार से तैयार हो रहा है, ये सब क्या होता है, डिस्प्ले यूनिट के माध्यम से हम देख सकते हैं, ठीक। कंप्यूटर संख्यात्मक नियंत्रण मशीन द्वारा अंगों के मशीनन चयन, यानी किस प्रकार से उसका चयन करते हैं, तो विभिन्न प्रकार के मशीन टूल का चयन किया जाता है। वो कौन कौन से होते हैं, टर्निंग टूल हो गया, ठीक, ड्रिलिंग टूल हो गया, मिलिंग टूल हो गया और अन्य संबंधित टूल के माध्यम से, यानी हम कह सकते हैं उनका जो टूल का चयनित किया जाता है CNC मशीन में, उनके जो मशीन का चयन किया जाता है तो इनके माध्यम से किया जाता है, ठीक। आता है नेक्स्ट आता है तो अच्छ पहचान। अच्छ पहचान क्या होता है, जैसा कि आप लोग को मशीन टूल हो गया, कारखंड हो गया, मशीन हो गया, मशीन दशाएँ हो गई, ये सब क्या होता है, इन सब के अंतर्गत यानी ये सब आ जाता है, ठीक। यानी हम कह सकते हैं जो एक प्रकार से रोबोटिक हो गया, रोबोटिक ग्रिड से लिया गया है, इसका अर्थ या बाल श्रमिक हो गया, जेनरिक केरल हो गया, स्वचालन एडवांटेज हो गया, ये सब क्या होता है, रोबोटिक्स के माध्यम से आ जाता है, ठीक। ये कौन कौन सी विधाएं होती हैं, ठीक, रोबोटिक्स किन के विधाओं से होती हैं, तो यानी यांत्रिक विधाओं से हो सकती हैं, इलेक्ट्रिकल हो सकता है, कंप्यूटर हो गया, ठीक, इन सभी के माध्यम से ये होते हैं, ठीक। रोबोटिक क्या होता है, अवयव क्या होता है, लिंकेज हो गया, एक्चुएटर हो गया, सेंसर हो गया, रोबोटिक कंट्रोल हो गया, यूजर इंटरफेस हो गया, ठीक। इनका अनुपयोग किस प्रकार से करते हैं, तो वेल्डिंग हो गया, ग्राइंडिंग हो गया, ड्रिलिंग हो गया, मशीनिंग हो गया, ठीक। इन सभी चीज़ों को हम क्या सकते हैं, रोबोटिक्स के माध्यम से कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट आता है तो PLC। PLC का हम क्या कर सकते हैं, जब कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक, उन्हें एक प्रकार से प्रोग्राम बनाने के लिए प्रोग्रामिंग लॉजिक कंट्रोलर होता है। PLC का कार्य क्या होता है कि कंप्यूटर में किसी भी प्रकार से जो लॉजिक यानी पर्सनल कंप्यूटर होता है उनके जो एक प्रकार से हमसे कह सकते हैं दिशा निर्देश किया जाता है यानी किस प्रकार से कंट्रोल किया जाता है, उनको हम पहले रूप से ढांचा बनाते हैं, ठीक। इनके माध्यम से यहाँ तक जाना है, ये वर्क करना है, ये सब क्या होता है, PLC के अंतर्गत आ जाता है, यानी लेआउट जिसे बोलते हैं। सबसे पहले क्या होता है, लेआउट बनाते हैं, तो किन के माध्यम से बनाते हैं, तो वो PLC के माध्यम से बनाते हैं, ठीक। तो आई होप गाइस यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर का एकदम इजी क्वेश्चन यानी सभी चैप्टर सभी टॉपिक्स एकदम इजी ढंग से समझ में आया होगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से होते हैं, यानी MCU हो गया, CNC हो गया, ठीक, और MCU क्या होता है, MCU क्या होता है, और रोबोटिक्स क्या होता है, ठीक, BTR क्या होता है, DVD क्या होता है, DVD का फुल फॉर्म क्या होता है, डिजिटल वीडियो डिस्क होता है, ये सब क्या होता है, इसके बारे में आप लोग को जाके पढ़ लीजिएगा, ठीक, ठीक। और रोबोटिक्स क्या होता है, PLC क्या होता है, ये सब इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं फर्स्ट चैप्टर के, ये हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिगर सहित आप लोग को रट लेना है, ठीक। तो बस गाइस आज के लिए इतना, अगर वीडियो अच्छी लगे हो चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।